तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से करता हूँ स्वागत हमारे इस YouTube चैनल में। वुमेन्स आईपीएल चालू हो चुका है और आज है मैच नंबर 6 था, मुंबई इंडियंस वर्सेस यूपी वॉरियर्स के बीच में। हरमनप्रीत कौर वर्सेस एलिसा हिले के बीच आज होने वाला है इस वुमेन्स आईपीएल का मैच नंबर 6वां, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम यानी कि बेंगलुरु में। जानेंगे इस वीडियो में कौन जीत सकता है टॉस, कौन जीतेगा मैच, क्या रहेगी पिच रिपोर्ट, एस्ट्रोलॉजिकली किस दिन की कुंडली है भारी, कौन सा ग्रह इसको सपोर्ट कर रहा है, किसकी कुंडली है भारी और कौन जीतेगा मैच, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन यदि आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम के लिंक दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे। क्योंकि पीएसएल चल रहा है, पीएसएल और इस वुमेन्स आईपीएल दोनों ही मैच की जैकपॉट एंट्री सेशन ट्रेडिंग करना है। एंट्री कब करे, लॉस कट बुक सेट कब करे, फ्री में अपडेट पाने के लिए, फ्री में ये सारे टिप्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लेना। जो टेलीग्राम को ज्वाइन करता है, टेलीग्राम पे रहता है, वो डेली प्रॉफिट में रहता है। अब टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करें, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने की लिंक मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी। उस लिंक में क्लिक करते आप टेलीग्राम से जुड़ जाओगे या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मेरी लिंक आपको मिल जाएगी। बात करते हैं आज के डेट की, तो आज है 28 फरवरी, लकी नंबर आज का है 1 और दिन है आज का बुधवार। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे एमआई की, तो एमआई ने अपने दोनों ही मैचेस जीते हैं इस वुमेन्स आईपीएल में और यूपी ने दोनों ही मैच हारे हैं। मतलब एक टीम टेबल टॉपर है और एक टीम टेबल के सबसे नीचे है। तो सबसे टॉपर और सबसे नीचे वाली टीम के बीच में होने वाला है मैच। बात करते हैं पहले एमआई की, तो इनका सूर्य स्वामी है, पॉजिटिव पॉइंट है, लकी नंबर 2 है, अगेन पॉजिटिव पॉइंट है। बात करते हैं हरमनप्रीत कौर कप्तानी करेंगी, इनका बुध स्वामी है, पॉजिटिव पॉइंट है, लकी नंबर 8 नेगेटिव पॉइंट है। यानी कि एमआई के पास 3 पॉजिटिव लेकिन एक नेगेटिव भी है। बात करते हैं यूपी वॉरियर्स की, इनका शुक्र स्वामी है, पॉजिटिव पॉइंट है, लकी नंबर 6, यहाँ अगेन जाएगा नेगेटिव पॉइंट। एलिसा हिली की बात कर लेते हैं, मंगल स्वामी नेगेटिव पॉइंट, लकी नंबर 6, अगेन नेगेटिव पॉइंट। यानी कि यूपी के पास 3 नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो टॉस विनर है वो आपको शायद मिल सकती है एमआई, मतलब मुंबई इंडियंस वुमेन्स की टीम टॉस को जीत सकती है। बात करते हैं एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पिच रिपोर्ट की, बट मैं एक बार दिखा दूं आपको, ये ग्राउंड की एक डायमेंशन है बाउंड्रीज के। आपको सबसे बड़ी बाउंड्रीज जो है वो दिख जाएगी 71 मीटर की, सबसे छोटी बाउंड्रीज जो है वो दिख जाएगी 56 मीटर की। मतलब ग्राउंड थोड़ा छोटा है, गेम्स यहाँ पे हाई स्कोरिंग हो सकते हैं। बात करें पिच रिपोर्ट की, बट उससे पहले एक बार फिर मैं दिखा दूँ कि हेड टू हेड परफॉर्मेंस दोनों ही टीमों के बीच में 3 मैचेस हुए हैं, 2 जीता है मुंबई इंडियंस और 1 जीता है यूपी वॉरियर्स। यदि बात करते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस की, मुंबई इंडियंस अब से सारे मैचेस जीता हुआ है, वही यूपी वॉरियर्स सारे मैच वो हार चुका है इस वुमेन्स आईपीएल के। पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर 143 का है, 173 हाई स्कोर बना है जो कि मुंबई ने ही बनाया है और 173 यहाँ पे चेज हुआ है जो कि मुंबई ने ही किया है। मतलब मुंबई का प्रदर्शन इस ग्राउंड में बहुत जबरदस्त रहता है। बात करते हैं बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकेंड, तो 4 में से 2 में यहाँ पे चेज हुआ है और 2 में डिफेंड हुआ है। तो बैटिंग फर्स्ट करें या सेकेंड करें, जीतने के चांस दोनों के बराबर रहते हैं। बात करते हैं यहाँ पे टॉप परफॉर्मर की, तो आपको यदि पूरी ड्रीम 11 टीम चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। बात करते हैं टॉप परफॉर्मर की, तो आज यहाँ पे आपको एन सेवियर ब्रेंट की जो बल्लेबाजी या फिर प्रदर्शन जो है बहुत जबरदस्त मिलेगा। एन सेवियर ब्रेंट की बात कर लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं शबनम इस्माइल की, जो बॉलिंग से बहुत सारे फैंटेसी पॉइंट्स लाके दे सकती है। यदि बात करते हैं एलिसा हिली की, तो ये भी आपको अच्छी खासी इनिंग्स खेलते हुए दिखाई देने वाली है। एलिसा हिली, एन सेवियर ब्रेंट, शबनम इस्माइल, और उसके बाद और यदि हम आगे चलते हैं तो यास्तिका भाटिया की भी कुंडली काफी अच्छी है, बट वो लोअर ऑर्डर में आती है तो शायद आपको ज्यादा पॉइंट्स न दे पाए, बट कुंडली उनकी काफी अच्छी है भाटिया की। और यहाँ पे श्वेता सेरावत की भी कुंडली काफी अच्छी है, तो ये भी अच्छे खासे पॉइंट्स आपको लाके देने वाली है। और लास्ट में चमारी अट्टापट्टू, ये खिलाड़ी भी बहुत सारे फैंटेसी पॉइंट्स लाके देने वाली है। एक बार फिर मैं कह देता हूँ कि पीएसएल का मैच भी है आज और ये मैच में भी जैकपॉट एंट्री मिलेगी, तो एंट्री सेशन ट्रेडिंग टॉस अपडेट सब चीज के लिए टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लीजिए। बात करते हैं विनर की, तो आज इस मैच में एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली मुंबई इंडियंस की बहुत स्ट्रांग है और मुंबई इंडियंस की टीम आज बेंगलुरु के स्टेडियम में विन करते हुए दिखाई दे सकती है। यानी कि आज की विनर टीम हो गई मुंबई इंडियंस वुमेन्स। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।